बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेंगे आपकी हाइट ग्रो करने में। मेरी हाइट है समवेयर अराउंड 5'9" एंड जो भी मैं आज आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो पहले तो बहुत ईजी होंगी, प्लस इसके साथ बहुत इफेक्टिव होंगी। तो आप इस एक्सरसाइज को आप डेली परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इन द मॉर्निंग आप इसको डेली कर सकते हैं, ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक अमेजिंग रिजल्ट मिले। इस अमेजिंग रिजल्ट को पाने के लिए पहले तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है कि आपकी स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 hours की होनी चाहिए। सेकेंड आपका न्यूट्रिशन, जो हम बॉडी कंज्यूम करती है पूरे दिन में, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा प्लस आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अपनी नींद अच्छी लेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड आप ये वीडियो उन लोगों के संग शेयर करें जो जिन लोगों को अपनी हाइट इंक्रीज करनी है, अपने दोस्तों में शेयर करें तो ताकि उनको हेल्प मिले अपनी हाइट इंक्रीज करने में। आपको वीडियो अच्छा लगे आप एंड तक वीडियो देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेचिंग से। हमको हाथ ऐसे लेने, अपने फिंगर्स को हम करेंगे इंटरलॉक। स्ट्रेचिंग में क्या करेंगे हम, ये बेसिक नॉर्मल स्ट्रेच है, इसमें हाथों को हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, प्लस अपने जो काफ है यहां से इसको हम अपने आएंगे टोज के ऊपर ऐसे काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर रिलैक्स करेंगे बॉडी को, फिर दोबारा से सेम यही करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हमारी काफ स्ट्रेच हो जाएंगे प्लस हमारी अपर बॉडी स्ट्रेच हो जाएंगे। एक बार मैं साइड से दिखा देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये बेसिक स्ट्रेच करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंड से। फॉरवर्ड बेंड में क्या करना है, जैसे अभी जो स्ट्रेच किया था उसमें अपने हाथ को ऐसे इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद ऐसे ऊपर जाना है, फिर स्लोली नीचे आना है एंड अपने हाथों को खोलते हुए ग्राउंड टच करना है 5 सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऊपर आना है वापस, फिर से यही रिपीट करना है, हाथों को ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऊपर जाना है, स्ट्रेच करना है, स्लोली नीचे आना है एंड देन हाथ खोलते हुए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मेन शो करेगा कि आपकी नी जो है वो ऐसे बेंड ना हो, करते हुए ना ऐसे ना हो, जो पैर है वो आपकी स्ट्रेट रहे, नी आपकी स्ट्रेट रहे। इसको भी 3 बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसको एटलीस्ट हम 5 बार करेंगे। ये याद रखें कि आप अपनी जो नी है उसको बेंड ना करेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसे करके अपनी नी को बेंड करके टच करते हैं तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक्सरसाइज की एक्सरसाइज कर रहे हैं बट आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, तो मेक श्योर करेंगे आप अपनी नी बेंड ना करते हुए आप जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक जाए, धीरे धीरे करके आप टो टच करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे हम गोडाउन। गोडाउन में क्या करना है, आपको अपने ऐसे इंटरलॉक करना है, अपने सर के पीछे रखना है, पैरों को स्ट्रेट रखना है एंड कमर की साइड से आपको बैंड करना है 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर आ सकते हैं, फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसको भी एटलीस्ट 5 बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने आप से आप है ना अपनी काउंटिंग बढ़ाते रहें ताकि ना धीरे 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 आपको ये हैबिट में आ जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं। इसको हम एटलीस्ट 4 से 5 बार करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको एक मैट की रिक्वायरमेंट होगी, आप इसको मैट के ऊपर कर सकते हैं। अभी दोनों एक्सरसाइज होनी है वो लेट की होनी है, तो अब जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम बट ब्रिज, जैसे हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। आप चाहे तो 30 सेकंड्स 3 बार कर सकते हैं एंड इसमें टाइमर लगाना है अपने फोन में 30 सेकंड्स का, ये देखें। एंड 30 सेकंड का वो करना क्या है, कोई सी चीजें देखना है, ऐसे सीधे लेट के पैरों को अपने ऐसे रखना है, पैरों को ऐसे रखने के बाद टाइमर सेट कर आपको लेना है और सीधे ऊपर एक ब्रिज बनाना है नीचे से, जैसे हम 30 सेकंड्स के लिए करेंगे, पोजीशन ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे,
अगर चाहें तो आप 30 सेकंड्स के लिए 3 बार भी कर सकते हैं। तो बॉडी वेट कम्प्लीट करने के बाद हम चलते हैं फिर लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी कोबरा स्ट्रेच, जो कि आप लोगों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए। इससे हमारी स्पाइन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती है। तो आप चाहे तो फोन ले सकते हैं, फोन में इसमें टाइमर लगाए 45 सेकंड्स का। लेट मी टाइमर लगाए फोन में से, तो 45 सेकंड्स का टाइमर लगाएंगे यहाँ पे। तो इसमें हमारी स्पाइन स्ट्रेच होगी। उसके साथ साथ हमारा कोर भी स्ट्रेच हो जाएगा, यानी हमारे आगे का एब्डोमेन। वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड ये आप जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आप अपने डेली रूटीन में आप इसको ला सकते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इससे। आप खुद देखेंगे कि आपके ना हाइट इससे खुद ब खुद इंक्रीज होती है। बस ये कुछ 4 या 5 एक्सरसाइज है जो आप डेली अपने हिसाब से कभी भी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको मॉर्निंग में कर लें, बेस्ट जो रूटीन है वो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में ही है, तो आप इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें एंड इसको लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।